जो पूरी स्कॉर्पियो जल गई थी, पूरी जला दी थी गाड़ी वो। बाय बाय, थैंक यू, ओके। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप देख रहे गेट इंस्टॉल। सैटरडे का दिन, आज ही के दिन मैं पैदा हुआ था, आज मेरा बर्थडे है वैसे, बाय द वे। मतलब कपड़े पुराने हैं, ये आज पैदा हो गए। आज साहिल भाई मेरे साथ में है और मेरे साथ में अभी, और एक न्यू अपग्रेड आपको बता दूं क्या है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। इससे पहले ना एक चीज और बता देता हूँ, क्या थी गाड़ी की हालत। नंबर प्लेट तक नहीं नजर आ रही है गाड़ी की, और बड़ी सिंपल सोबर सी कर दी है। लेकिन हाँ, एक बुरी चीज जो हो गई वो ये थी, व्हील्स की हालत देखो। ये जो एरिया है, ये दरअसल मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया था अपने, तो ये मारा एक रेडे रिक्शे वाले ने, और जिसकी वजह से ये घुस गया। बहुत तगड़े तरीके से लगी है, ये अंदर ही बैंड हो गया। अब मेरे को ये देखना है ये ठीक हो पाएगा या नहीं। बाकी इसी की वजह से ना दरवाजा बंद होने में दिक्कत तो हो ही रही है, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है। इसी के साथ साथ ये वाले दरवाजे में भी कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये दोनों ना चिपक चुके हैं। अब मैं ऑलमोस्ट ये बताता हूँ, दरवाजा पूरा का पूरा ठीक करवाना पड़ेगा, यहाँ कुछ स्क्रैचेस भी है। अभी गाड़ी की हालत ना जस्टिफाई भी नहीं हो पा रही होगी, पहले गाड़ी को लेके जा रहा हूँ मैं काले भाई के पास, धुलवाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। चलो, जाते जाते मैं मिला जॉनी भाई से, कर रहे हैं SX4 के अंदर गरम हो रही गरम। चलो ठीक है, इत्तेफाक की बात है, आज मुझे दिखी पॉम, ये वही गाड़ी है दरअसल जिससे मैंने कार ड्राइविंग सीखी थी। आज मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा पॉम को, इतने सालों बाद। चले टाटा। भाई बिना साबुन के नहीं उतरेगा ये। इतनी बुरी हालत में गाड़ी को धोते हुए कैसा फील हो रहा है बर्थडे के दिन भाई? कहते हैं अपनी लाड़ ली है, धोनी पड़ेगी। टाइम हो रहा है शाम के 6:41, गाड़ी धोने धाने और इन सारे चीज़ों के चक्कर में जब दिन ही 2 बजे से चालू होएगा तो 6 तो ऐसे ही बज ही जाएंगे ना। अब हम यहाँ से चालू करेंगे अपना सारा काम। फिलहाल हम द्वारका में, यहाँ से हम जाएंगे कुछ खरीदारी करेंगे, उसके बाद करते हैं उस सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट। ओके, सो आई एम समवेयर इन द्वारका, ये पूरी एक मार्केट है भाई। भैया कह रहे हैं भैया का सिंगल का काम है, थोक का नहीं है कुछ भी। तो मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ कि इनके पास बल्क में पैकेट्स मिल जाएंगे, उतारना फिर। मुझे नहीं लगता ये इसके मूड में नहीं, आई थिंक सो। देख कैसा भगरा माल के पीछे, देख देख देख, सारे कुत्ते मेरे पीछे बिचारे। दोस्तों, आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले मैंने इस आईफोन से अपनी सारी वीडियोस बनाई थी, जो कि सिमिलर थी इसी वीडियो से जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। कैमरा लेने की मैंने उस वीडियो के अंदर बात की थी कि दुआ करो कि कैमरा ले ले, और 1 साल के अंदर मैंने कैमरा भी ले लिया, ड्रोन भी ले लिया, गोप्रो भी ले लिया। बड़ी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपए के आसपास की। कैमरा लेना, उसे हैंडल करना, चलाना, जल्दी जल्दी शॉट लेने पड़ते हैं, कैमरा रोकना पड़ता है, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है कैमरा संभालना। जो भी है, सिर्फ ये बताना चाहूंगा मैंने लिया सिर्फ बिलीव के ऊपर। अगर मुझे बिलीव है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ, तो मैं करता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं ये काम नेक्स्ट ईयर भी करूंगा, तो मैंने बिलीव ही करा था। क्योंकि अगर आप बिलीव करते ना किसी भी चीज के ऊपर, तो आप उस काम को कर बैठते हैं। मैं कल से जाग रहा हूँ, और इसके अंदर मेरी साथी ये होती है एक चिल्ड रेडबुल। तो भाई मैंने लास्ट अपनी एक टूर वाली वीडियो में भी बताया था कि जो लोग सोचते हैं इसके अंदर सांड का स्पर्म या बुल स्पर्म होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देर इज अ ग्रीन साइन राइट हियर, इफ यू कैन सी, और ये सिंथेटिक तरीके से टॉरिन बनाया जाता है। मुझे जब भी थोड़ी सी टायर्डनेस फील होती है, जैसा कि आज हो रही है, वो क्या रही है, मैं सोया नहीं हूँ, तो सोया नहीं हूँ तो खुद को जगाए रखने के लिए मुझे चाहिए होती है तो चाय कॉफी, या फिर मुझे जरूरत पड़ती है मैक्सिमम कैफीन की, जो कि होती है इसके अंदर। इसके अंदर 5 कॉफी के जितनी कैफीन होती है इसे एक अकेले रेडबुल में। ये कोई ब्रांड प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ कि आज के मेरे काम को करने के लिए, मतलब काफी थकान भरा काम रहा उसे करने के लिए, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। आई एम गोइंग टू ओपन माय रेड बुल। फाइनली हमारे पास इतना स्टॉक है, पहले हम इसे खत्म करना चाहेंगे फिर और लेना चाहेंगे।
day two. कल का दिन तो ऐसे ही चला गया. दरअसल आज ये दूसरा दिन है. आज के दिन मैं निकला हूँ. मैंने लिए हैं पीछे की तरफ देख सकते हो फिलहाल तो फ्रूटी के दो कार्टन जो कि मैं बच्चों में बांटूंगा. मन को ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब तक आप इस काम को ना अपने मन के या हैसियत के बराबर ना कर दो. एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि मैं इस पूरी वीडियो को इसके अंदर इंक्लूड करके डालूंगा नहीं डालूंगा, बट हाँ देखते हैं जैसा भी होगा. ये फिलहाल मैं बोलता रहा हूँ, अगर डाल रहा हूँ तो उस टाइम पर मैं सीन को काट दूंगा. सीधी बात है. अब मैं जाऊंगा और बच्चों को बांटना चालू करूंगा. गाड़ी की डेंटिंग करानी है तो सोचा कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डेंटर है हमजद के पापा. कुत्तों के पास ना बिस्कुट वगैरह डाल के उनको खिलाना चाहते हो तो मोस्टली जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड करते. वो भागते इधर उधर, डालो और साइड हट जाओ. अच्छी बात यह है ये बेजुबान जानवर होते हैं भाई. ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन हाँ ये कभी कभी सहमे हुए रहते हैं. इसलिए जो लोग या जिन्हें काटते हैं उनके लिए तो सॉरी, लेकिन पहले मैं भी डरा करता था कुत्तों से. उसके बाद मेरे को ना ऐसा लगाव ही हो गया इनसे. पूछो मत. चलते आगे जाऊंगा, रेड लाइटों पे बच्चे ढूंढूंगा. फिलहाल उन्हें फ्रूटी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, पाले जी के कुछ बिस्कुट खरीदूंगा. वाकई में बहुत कम डोनेशन आई थी, लेकिन जिस जिस भाई ने दिया सबका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जिस जिसने सपोर्ट किया. और मैंने एक चीज पता है क्या जानी अपने कैरियर के अंदर, या मैं कह सकता हूँ अगर आप कभी भी ऐसा कोई काम करने बैठते हो ना तो आप ना किसी को फोर्स मत करो, सिर्फ कह दो. अगर किसी का मन होगा ना वो खुद कर देगा. मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन जब उनसे मैंने एक्चुअली में बोला ऐसे किसी काम को करने के लिए ना, तो वो अपना मुंह बनाने लग गए या फिर अपना आग चुराने लग गए, जो कि ठीक नहीं है यार. अपनी जिंदगी में इतना कमा लोगे, कभी किसी ऐसे के लिए भी करके देखो ना तो बहुत अच्छा लगता है. और अच्छी बात बताऊं, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने का फायदा, बच्चों का कोई धर्म नहीं होता, बच्चे बच्चे होते हैं. बस इस काम को करते हुए बच्चों के चेहरे की जो हंसी होती है ना, करोड़ों रुपए की होती है वो. क्या कह रहा है? बाय बाय. ओके. एक बुरी बात बस ये है, इस काम को करते करते ना सीट बेल्ट बार बार लगानी उतारनी पड़ती है. ऐसा कुछ होता अपने आप उतरती, अपने आप लग जाती, मजा आ जाता. बाय द वे ये स्टीरियो 10,000 रुपए का लगा है. पुरानी वाली हेड यूनिट देने के बाद 8,500 का. इसके आउटपुट ठीक है, इसकी डिंग जो है इतनी सी है नीचे की तरफ से, लेकिन ये है 10 इंची के अंदर. भाई पी लो. हेलो फ्रेंड्स, रेडबुल पी लो. देखो एक भाई वो रहा हमारा. आज हमारे पास बहुत सारा माल है. कल हमारे पास माल सौदा पैसा और टाइम दोनों कम पड़ रहा था हमारे दोनों पास. नहीं तीनों चार चीजें नहीं थी. आज हम ले आए सारा सामान हमारा. ये रेडबुल का प्रमोशन फ्री में करते हुए. वैसे आज ना भंडारे बहुत सारे हो रहे हैं, क्या चक्कर है? हम भी खाएगा फ्री का. क्या कहते हो तुम? मेरे को कमेंट डाउन करके बताना कि क्या तुम भंडारे में खाते हो नहीं खाते हो. हम तो खाते हैं भाई. कल मेरा मन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए आज हमने इस काम को ना दोबारा करने का फैसला किया. Hey bro, है ना पूरे तोड़ के डालते तब खाते हैं. उसके बाद सामने कभी नहीं खाते कुछ. दिस गाय जस्ट जॉइन अस. क्या कह रहा हूँ अपने सामने भाई, वो ज्यादा भूखा होगा ना फिर. भाई बच्चे थे उसके साथ छोटे. ये भाई हमारे से सेवा करते हुए. जब आप किसी बेजुबान जानवर को कुछ खिला देते हो तो उसके बाद ना कभी वो आपको दोबारा मिलेगा ना तो कहेगा अपुन इसको जानता है. अपुन इसको जानता है, ये इसको अपुन ने पहले भी देखा है. मुझे पता है तू जेब में डाल रहा है. हाँ तू भी खा रहा है. चुप्पी चुप्पी. नहीं नहीं वैसे सच बताओ, दे आर बेटर देन पीपल. दोस्तों दरअसल ये है अमजद भाई के पापा, और इनका एक्सपीरियंस बोलता है वाकई में. टूटी कटी गाड़ियां, खत्म गाड़ियां, मेरी आंखों के सामने मैंने इनके हाथों से बनती देखी है. और यहाँ तक कि गाड़ी थी जो पूरी स्कॉर्पियो जल गई थी, पूरी जला दी थी गाड़ी, वो गाड़ी इन्होंने बनाई मेरी आंखों के सामने. मतलब डेली प्रोग्रेस देखी है मैंने उसकी. कैसे होगा उस्ताद जी, कैसे ठीक होगा? ये किनारी सीधी हो गए. अरे यार वहाँ पे चलते ना, वो जो यूट्यूब पे एक बंदे ने वीडियो डाली थी वहाँ पे. अरे वो बहुत बढ़िया. एक मार्केट में ना एक पहले दुकान थी एरिया वाले की, सरदार जी वाले की. मैंने सुना है एक और नई दुकान खुली है. वो दुकान का नाम ढंग से मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ना वो सिस्टम वाले की दुकान खुली है. सिस्टम वाले की दुकान, सिस्टम वाले की दुकान पहले भी थी. उसी दुकान ने फिर दुकान खुली है. हाँ हाँ हाँ, व्हाइट कलर का वो रखा होगा पेंट, व्हाइट पेंट हो रखा होगा. वो जो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट पे लिखा हुआ है, सेक्टर 10 द्वारका में ना, मेट्रो स्टेशन के पास. अरे वो तो नकली है भाई. नहीं मैं सोच रहा था पता है क्या, कि जाके ना वायरिंग करवाऊं इसकी, जो हमिंग की आवाज सी आ रही है. पर फिर मैंने सोचा कि हमने वायरिंग करवानी है. हाँ वो कह रहा कपलर टू कपलर करेंगे, मैंने वायरिंग कटवानी है. मैं सोच रहा हूँ कपलर टू कपलर ना करूँ, वायरिंग कटवाऊंगा. हमें कपलर टू कपलर काम पसंद ही नहीं है. हाँ हम वायरिंग कटवाएंगे. सही बात है. इसलिए मैंने कंपनी से वारंटी भी नहीं ली. मैं तो वायरिंग कटाऊंगा. सही बात है.
दोस्तों अगर वैगनर वाले सिनेरियो में अमजद के पापा यहाँ पर होते ना, मैं उन्हीं से काम करवाता। और किशन भाई फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अमजद के जो पापा है ना बहुत बढ़िया काम करते हैं, झूठ नहीं बोलूंगा। अब हम वंस अगेन वही लगा रहा हूँ गाड़ी, डेंट निकलवाऊंगा और हमारा जो बचा कुछ ये काम है ना इसे खत्म करेंगे। आज सिर्फ डेंट निकलवाएंगे। डेंटिंग पेंटिंग का मैंने आपको बता दिया है अमजद के पापा, मैकेनिकल मैंने आपको बता दिया है जॉनी भाई, और इंटीरियर साउंड सिस्टम एमिनेंट। सबर से करवाओ काम, इनसे बढ़िया कोई नहीं करेगा भाई। बाकी कहीं अगर तुम्हें कपलर टू कपलर काम कराना हो वहाँ मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी, सीधी सी बात है। वायरिंग कटवाओ ज्यादा मजा आएगा। वायरिंग कट जोक्स अपार्ट, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर इंटीरियर का काम कराना है तो वहाँ, और अगर तुमने एक्चुअली में डेंटिंग का काम कराना है अमजद के पापा, और अगर तुमने पेंटिंग का काम कराना है अमजद भाई, मैकेनिकल काम कराना है जॉनी भाई, बस। और बाय द वे सबके नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी दे दूंगा। अब देखो भाई हमने यहाँ पे डैम्पिंग करा रखी है, डैम्पिंग थोड़ी बहुत तो उतारेंगे फाड़ेंगे। बच्चों की फ्रूटी पी रहा है दोस्तों। वैसे जिस मोमेंट पे हमने डैम्पिंग करवाई थी कार के अंदर, उस टाइम मैंने ये सोचा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है डारी डैम्पिंग कुरेदनी पड़े उतरे और वापसी फिक्स ना हो, बट ऐसा नहीं है। अगर ये दरवाजा इस लायक तो है फिलहाल कि इस डैम्पिंग को उतार के साइड में से इसका डेंट निकाल दिया, और फिलहाल के लिए ये डैम्पिंग एज इट इज वापसी ऐसी की ऐसी लग जाएगी। ठीक करने वाले के पास भी ना एनफ प्रॉपर स्किल होनी चाहिए कि वो फील करे उस चीज को जब तक वो प्रॉपर ठीक ना हो। मैंने कहा इंश्योरेंस खराब करने से या जीरो डेप के इंश्योरेंस क्लेम करने से बेहतर है एक छोटे मोटे कामों के लिए, तो क्या हम जाए इंश्योरेंस क्लेम लेने, फिर फाइल के लिए पैसे पे करो, फिर जाओ गाड़ी दियो छोड़ो ये वो फलाना, दुनिया भर का टाइम बर्बाद करो, हमारे समस्या आ रहे हैं सारी चीजें। मेरे कुछ भाइयों ने कहा था कि भाई तुमने गाड़ी में जो जो करवाया ना उसकी वजह से वायरिंग गई और उसकी वजह से वारंटी भी गई, तो हमें वारंटी चाहिए भी नहीं। यहाँ से डबल चादर है दीवार के बिल्कुल नीचे खड़ा है और वो उसको बिस्कुट तोड़ तोड़ के घेर रहा था और वो बेचारा हमारे वेट एक तो आज रिकॉर्ड कर। ये दिल्ली पुलिस का वो है, यहाँ पे असेंबली होती है, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है दिल्ली पुलिस की। एक भाई आया हमारा, यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। जब लोग कहे कि I-20 क्यों लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए क्योंकि डबल चादर होती है, और क्यों नहीं लेनी चाहिए कि डबल चादर होती है जल्दी से डेंट नहीं निकलते इसलिए नहीं लेनी चाहिए। इसके पीछे भी एक चादर है यहाँ पर तुम देख सको ना, तो ये एक जॉइंट है, इसे ठोक के निकालने के लिए ना यहाँ से इसी पूरी फिटिंग उतारनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत का काम है ये। बिल्ली अमजद के पापा की है, ऑलमोस्ट धार बनाई दी इसकी, बस अब ये सारा बॉडी फिलर में ठीक होगा। ये वो बच्चे हैं जिन्हें हम पढ़ाया करते थे जब मैं यहाँ पर पढ़ा करता था भाई, सबको मिली तब ये सारे बच्चे आते थे वहाँ पे। भैया क्या दे निकल, लाइन से लाइन मिला दी, बस बॉडी फिलर भरेंगे इस पे पेंट मारेंगे हो गया काम। इसे बोलते हैं तजुर्बा। हाँ मैं पढ़ती हूँ। तुम पढ़ते थे ना, है ना? वही क्या होते देखा, अरे ये सब अपन को पहचानता है। चोर 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 हो गया एकदम दरवाजा, तो तू ही बता दे चल। सीरियसली स्वाद आ गया। वैसे इसकी सेंट्रो ठुकी थी तब इसने मुझे बताया। सेंट्रो बेची मैंने इसलिए थी, उसमें डेंट पे मजा ही नहीं आया तो डेंट निकला था। स्कॉर्पियो डिजायर अगर मैंने अपनी गाड़ी बेची सिर्फ डेंट के चक्कर में। एक स्कॉर्पियो बना गया था मैं हरियाणा में गन्नौर में कंपनी में, बदमाश की गाड़ी थी। बदमाश वाले ने ये कह दिया था कंपनी वाले को जन से मार दूंगा अगर गाड़ी तैयार नहीं है। 55,000 रुपए लिए थे मैंने उससे लेवल लेवल। मेरे सामने ना एक बार एक बंदा लाया एंड्यूवर, छत पिचकी हुई पूरी बैठी हुई छत थी उसकी, वो बनाई थी इन्होंने। फिर मैंने भी देखा भाई ऐसे ऐसे कसे जाते हैं। सेट है तो दरवाजा ठीक हो गया, अब इधर से घुस सकते हैं, वरना इधर वाला दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। आधी फ्रूटी की पेटी बची है उसे निपटाते हैं, उसके बाद हम करते हैं स्टूडियो को एंड।
बोल बहने के माता के भैया हम तो मजाक कर रहे थे, भैया डर गए, भैया डर गए, प्रैंक हुआ है आपके साथ। दरवाजा फाड़ दी जाएगी, फाड़ दी जाएगी तुम्हारी भी, झाड़ू दे दिया जाएगा झाड़ू। पन्नी, पन्नी बहन है भाई, पन्नी बहन है भाई, हम पन्नी यूज नहीं करेंगे, मुझे हाथ में लेके जाएंगे। अब कैसे सीधा हो गया तू एकदम ही, कैमरा कैमरा ऑन होते ही कैसे सीधा हो गया तू, थोड़े से ना नखड़े करते हैं तो तू थोड़े से गेर दे, ऐसी गंदगी में मत गेर। गंदगी मैंने साफ नहीं किया, ऑलरेडी किसी ने एक पैकेट गेर रखा उसके लिए। मैंने वीडियो बनाई थी तब मेरे हाथ में सिर्फ बैंड, ये चला मत ठीक है, ये हाथ मत चला, कचर कचर चला रहा। देखो देखो दोस्तों, आज से एग्जैक्टली एक साल पहले की बिलीव किया था और मैंने इस काम को दोबारा कर लिया, मुंह ब्लर हो गया, ब्लर कर रहा है। कि एक साल पहले मैंने हाथ में आईफोन पकड़ते हुए जो कि मेरा फोन दिया, एक आदमी को एक ही दूंगा, हाथ ले पकड़, तू पकड़, क्या तूने नहीं ली फिर। देखो अगर अंकल आंटी देख रहे हो तो इसको दुखी मत क्या करो, देखो ये कभी कभार नेक काम भी कर लेता है। क्या 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 बोला तू, तेरी इंग्लिश लड़खड़ा गई भाई, क्या पता है बिना कैमरे के सही निकली थी, तू कैमरे पे ले आया लड़खड़ा गया, कैमरा मत लाया कर, आई एम कैमरा कॉन्शियस मैन। शाहरुख तू ले, शाहरुख यू वांट सम, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से हूं ब्रो, मेरा नाम याद रखना, दो तीन साल बाद आऊंगा। हाँ अपन इसको जानता है, ये मेरे से दो तीन साल बाद कहेंगे। पूरी आग लगा के जला दी थी, बताया था इसने अमजद ने, उन्हें ही बताया था ना, उसके पापा ने पूरी गाड़ी पूरी बनाई, इसी की गाड़ी थी, गाड़ी में खड़ी थी। पापा भाई कारीगर बहुत तगड़े है।